तो कैसे हो आप लोग, होप सब अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल रोड साइडर। निकल पड़ा हूँ एक और नई मंजिल पर, एक और नए वाटरफॉल पर। तो आज का जो सफर है, आज का जो वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल है या प्रॉपर उसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट से कहते हैं वुडलैंड वाटरफॉल बोलते हैं। अब ये नहीं पता कि मुझे उस वाटरफॉल का नाम वुडलैंड है या उस जो साथ में रेस्टोरेंट है उसका है, तो वो तो जाके पता लग गया, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और मेरे साथ जा रहा है मेरा नेफ्यू, आपने इसको पिछले ब्लॉग में देखा होगा कोटा बाग वाले में। Hello. तो ये साथ जा रहा है मेरे, ये बोला चाचू मुझे भी लेके चलो, मैंने भी जाना है, क्योंकि इसने 10 तारीख को वापस चले जाना है कोलकाता। तो इस चक्कर में मैं चल तो साथ चल ले, तो निकल गए हैं। बाकी रूट हमारा वो रहेगा बाजपुर होते हुए नैनीताल रोड पे है। वैसे नैनीताल जाने के दो रूट है, एक भैया हल्द्वानी हो गया और एक हो गया भैया बाजपुर। और ये जो वाटरफॉल है ये पड़ता है बाजपुर वाली रोड पे पड़ता है, प्रॉपर नैनीताल नहीं जाना पड़ेगा हमें। अगर हम हल्द्वानी होकर जाते हैं तो पहले हमें नैनीताल जाना पड़ेगा, नैनीताल से 12 किलोमीटर पे नीचे आना पड़ेगा बाजपुर वाले रोड पे। तो इससे बढ़िया हम सीधे बाजपुर होकर चले ताकि हमें 12 किलोमीटर बच जाए। बाकी अभी मेरे नैनीताल के ब्लॉग रह गए हैं, वीडियोज़ रह गई हैं, उनको भी मैं जल्दी कैप्चर करूँगा, क्योंकि नैनीताल में बहुत हिडन चीज़ें हैं जो कैप्चर करनी है मुझे। तो उसके लिए प्रॉपर मुझे एक दो दिन का टाइम चाहिए, तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। जिस दिन वो टाइम लग गया मुझे तो मैं नैनीताल भी शूट करके आऊँगा, नैनीताल का भी शूट करके आऊँगा। तो ये लगी हुई है शबील, सबसे बेस्ट पार्ट गर्मियों का कि मीठा पानी ड्रॉप्स अप लाते हैं। अभी जो हमने कट लिया है वो हमने लिया है जिम कॉर्बेट म्यूजियम के सामने से। अगर मेरा आपने वो वाला पार्ट देखा होगा, वो वाला वीडियो देखेगी तो आपको दिख जाएगा, उसके सामने ही बिल्कुल रोड जाती है, उस रोड के सामने सामने कट लिया है। और वो कट लेते ही थोड़ा सा आगे आते ही पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाता है, अगर नैनीताल जाने के लिए वो रूट स्टार्ट हो जाता है। मंगोली से है 7-7.5 किलोमीटर है आगे वो वाटरफॉल, गोल्डन वाटरफॉल। वीकेंड पे आने का सबसे बड़ा लॉस एक चीज होता है, आप हमेशा ट्रैफिक फंसते हो, चाहे वो प्लेन एरिया हो चाहे वो हिली स्टेशन हो, हिली एरिया हो, आपको ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा बहुत ज़्यादा। मेरे को सिर्फ 1 किलोमीटर और जाना है और मैं फंस गया हूँ ट्रैफिक में, अब देखो कितना टाइम लगता है। इतना बुरा हो रहा है मेरे साथ, जस्ट 1 किलोमीटर रह गया है और मैं जाम में फंसा हूँ। 1 घंटा होने वाला है मुझे और 1 घंटे में जाम में फंसा हूँ। वापस जाऊँगा तो बहुत घूम के आना पड़ेगा। अब 1 किलोमीटर चक्कर में मुझे इतना वेट करना पड़ रहा है, 1 घंटा हो गया अभी तक, नहीं तो मैं शूट करके मैं वापसी भी हो रहा होता, इतना टाइम लग रहा है मुझे। हल्की करके चल रही है, हल्की करके रुक रही है, समझ नहीं आ रहा हूँ क्या किस बात पे जाम लगा हुआ है। 2 घंटे एंड स्टिल ऑन ट्रैफिक, क्या करें बताओ। मन तो कर रहा है वापस भाग जाऊँ, बट इतनी दूर आया हूँ खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा, ब्लॉग तो शूट करके जाऊँगा ही मैं। भाई साहब फाइनली पहुँचे हैं और पार्किंग है ही नहीं, फाइनली पहुंच गए।
तो सड़क के किनारे कहीं गाड़ी हमने पार्क कर दी है, तो हम जा रहे हैं अब वुडलैंड वाटर पार्क, देखते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत ही रश है, वुडलैंड वाटर पार्क फाइनली पहुंच गए। से आप टिकट लेंगे, हटो अभी, 50 rupees पर पर्सन। लगता है ये ऊपर से चल के जाना है कहीं, पर हवा तेरी चल रही है, बहुत मजा आ रहा है, वेदर बहुत अच्छा, ठंडी हवा चल रही है। ये कोई छोटा सा वाटरफॉल है, अभी जा देखो। घूमने 2 घंटे ट्रैफिक में रहे, उसके बावजूद भी क्या हुआ, ये छोटा सा वाटरफॉल मिला जो आपको मैंने भी दिखाया। दिमाग ख़राब हो रहा है ना कि इतने दूर आए, ट्रैफिक में भी लगे, अब 4 बज गए सुबह के, 11 बजे के अब जाके पहुँचे थे और अब वापसी भी जाना, क्योंकि कुछ है ही नहीं ढंग का यहाँ। वाटरफॉल के सामने ये रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बस अब हम भी जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि टाइम हो गया है 4:15 और सुबह से नाश्ता कर रखा हमने। ये देखो अभी तक ट्रैफिक है, 5:30 हो गए और अभी भी रनिंग ट्रैफिक है। ये सब बाहर घर जा रहा हूँ वापसी है, तो रास्ते में व्यू पड़ा है तो काफ़ी अच्छा व्यू है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
थोड़ा व्यू एंजॉय करने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। तो निकलते हैं अब घर वापस। और आप लोगों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे 1,001K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और उसके लिए बहुत 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 आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।